ओके सो और मेरे मित्रों यार कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय एक और नई वीडियो में। ठीक है तो भाई यार आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अलग होने वाली है। वह तो यार हमारी हमेशा एक वीडियो अलग होती है, बट आज की वीडियो यार बहुत ही ज्यादा अलग होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं शुगर रॉकेट के बारे में। ठीक है तो यार तुम लोगों ने दिवाली में हमेशा फटाके छोड़े होंगे, मतलब फोड़े होंगे और रॉकेट को छोड़े होंगे। तो सीधी बात है भाई, जो दिवाली वाला जो रॉकेट होता है वो सिर्फ थोड़ी दूर पे जाने के बाद फुस हो जाता है। ठीक है बट एक जो शुगर रॉकेट होता है यार, शुगर रॉकेट भाई बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे होता है। मतलब अगर डायरेक्ट हाइट की बात करें तो भाई यार वो 200 फुट से भी ऊपर चला जाता है, मतलब चला जाता है यार, क्योंकि मैंने अब तक चेक नहीं किया। ओके तो यार यही चीज आज हम लोग करने जा रहे हैं, मतलब गाइस आज हम लोग एक शुगर रॉकेट को बनाने जा रहे हैं। ठीक है तो एक मिनट भाई, फिर से लाइन भूल गया यार। ठीक है तो भाई यार तुम लोगों का इस थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा शुगर रॉकेट के बारे में, तुमको पता होगा भाई शुगर रॉकेट में एक मेन चीज होती है, वो होती है शक्कर। मतलब शक्कर ही ये होता है जो भैया बर्न होता है, और शक्कर के थ्रू वो लॉन्च होता है, जो भी होता है मतलब उड़ता उड़ता है भाई जो भी होता है। ठीक है वो एक शक्कर के थ्रू ही होता है, क्योंकि उसमें मेन चीज चीनी ही होती है। ठीक है तो यार शुगर रॉकेट भाई नाम से इसी नहीं है। तो ठीक है सीधी बात भाई, मैं तुमको दिखाता हूँ कि यार वो कैसे बनती है। ठीक है लेकिन उससे पहले बात भाई, इसका इस्तेमाल तुम गलत चीज़ों में मत करना, वैसे नहीं करोगे मेरे को पता है, बट तब भी मैं कह रहा हूँ कि यार ऐसी चीज़ों या गलत चीज़ों में मत करना, और कोई बड़ा आदमी हो तभी तुम अपने साथ इस चीज़ को तुम बनाना। ठीक है तो चलो भाई दिखाते हैं किस टाइप से बनता है शुगर रॉकेट। यार ऑल राइट गाइस, यार अब देखो किसी भी रॉकेट को बनाने से पहले सबसे पहले लगता है भाई उसका कंटेनर। ठीक है तो कंटेनर के लिए मैं यूज करता हूँ भाई एक पीवीसी पाइप, ताकि हम इसमें अपना मटेरियल है वो भाई आसानी से रख सकें। ठीक है तो भाई ज़्यादा बड़ा पीवीसी पाइप नहीं है, जो पानी में आप लोग इस्तेमाल करते हैं यार उसी टाइप का पीवीसी पाइप है। ठीक है तो और इस टाइप का कंटेनर है, मतलब अच्छा खासा भाई गोल है और नीचे छेद है। तो गाइस सबसे पहले यार हमें भरना होगा इसका बॉटम। बॉटम मतलब ये वाला जो छेद होता है ना, इसको पूरी तरीके से कवर करना पड़ेगा, ताकि हम लोग जो हमारा जो मटेरियल है, जो हमारा शुगर रॉकेट है यार, वो बाहर ना बिखरे। ठीक है और ये कि यार बाहर ना बिखरे, तो यार इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एम सील। अब एम सील से होगा ये कि मैं भाई इसके सभी नीचे वाला जो पार्ट है इसको मैं एकदम पैक कर दूंगा। ठीक है तो फटाफट से फिर एम सील निकालते हैं। तो यार एम सील के भैया दो पार्ट हैं, और इन दोनों पार्टों को जोड़ने में बहुत टाइम लगेगा, तब तक के लिए स्किप। A few moments later. यार इस तरीके से यार एम सील को पूरी तरीके से बनाने के बाद हम लोग लेंगे अपना पीवीसी पाइप, और पीवीसी पाइप में यार इस तरीके से एम सील को डाल देंगे। अब हम लोग इसलिए डाल रहे हैं ताकि नीचे का जो बॉटम है इस पूरी तरीके से पैक हो जाए, और एक चाहिए तुम्हें यार इस तरीके का लकड़ी का गट्ठर, ताकि तुम आसानी से इसे पैक कर सको। ओके तो गाइस यार हमने अपनी पीवीसी पाइप में एम सील लगा दी है, और जब तक हम लोग एम सील को सूखने के लिए डालते हैं तब तक हम इसका फ्यूल तैयार कर लेते हैं। तो फ्यूल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मतलब शक्कर और पोटेशियम नाइट्रेट। अब फिलहाल यार देखो शक्कर एक ऑक्सीडाइजर तो नहीं है, मतलब शक्कर सिर्फ एक फ्यूल की तरह काम करता है, और ऑक्सीडाइजर एक पोटेशियम नाइट्रेट है, मतलब ऑक्सीडाइजर पोटेशियम नाइट्रेट है, या पोटेशियम नाइट्रेट एक ऑक्सीडाइजर है, तो दैट बी गॉड। ओके तो देखो यार शक्कर है, क्या शक्कर है, हाँ मतलब शक्कर है, शक्कर का जो रॉकेट है जो रॉकेट कहते हैं। ठीक है तो बाई चांस देखो यार हमारे पास है चीनी का पाउडर, ठीक है, और हम उसके साथ यूज करेंगे पोटेशियम नाइट्रेट। मतलब शक्कर एक फ्यूल की तरह काम करेगा, और पोटेशियम नाइट्रेट एक ऑक्सीडाइजर की तरह काम करेगा। तो हम इसको मिलाएंगे गाइस 65:35 के रेशियो में, मतलब 65 ग्राम होगा हमारा पोटेशियम नाइट्रेट और 35 ग्राम होगा हमारा शक्कर, मतलब चीनी शुगर। तो यार उसके लिए अपन लोग लेते हैं एक स्केल, और स्केल में अपन लोग चालू करते हैं, चालू हो जाए बेंचो। ठीक है अब हो चुका है 0, तो भाई अरे यार तो देखो यार अपन लोग 35 ग्राम इसमें यूज करेंगे चीनी,
फिलहाल अपना जो चीनी है गाइस वो हो चुका है अपना 20 ग्राम, और इतनी ग्राम अपन लेंगे पोटेशियम नाइट्रेट। अब जल्दी ओके। तो गाइस ये है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट और ये है चीनी वगैरह पाउडर। मतलब सीधी बात है यार, शक्कर क्रिस्टल फॉर्म में नहीं चाहिए होता, शक्कर चाहिए होता है पाउडर फॉर्म में, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और चलो फिर मिलाते हैं इनको। तो गाइस यार हमारा फाइनली तैयार हो चुका है हमारा मतलब तैयार हो गया हमारा फ्यूल। ओके तो यार थोड़ा सा अपन लेके चेक करते हैं कि भैया ये जलता है या नहीं जलता, ठीक है? तो चलते हैं बाहर। तो गाइस जरा आप चेक करते हैं यार हमारा जो पाउडर है वो पूरी तरीके से बना है क्या नहीं बना है। तो आग बहुत ज्यादा है गाइस, माचिस ही बुझ गई। पाउडर सक्सेसफुल अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है हमारा, क्या क्या बोल रहे इसको, शुगर रॉकेट का फ्यूल। मतलब देख सकते हो यार अच्छी खासी तरीके से बर्न हुई है। तो चलो यार फटाफट से इसको रॉकेट में लगा के चेक करते हैं और फिर देखते हैं मतलब रॉकेट में भरेंगे यार इस चीज को, क्या लगाएंगे। बच्चों को दी नहीं देते हैं ज्यादा, चलते स्टूडियो में। तो चलो ठीक है। तो भैया तुम लोगों ने जिस तरीके से देखा हमारा फ्यूल बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहा था, और अब क्या भाई जिस जो हमने रॉकेट बनाया था उसी रॉकेट में हम इस चीज को भरेंगे। तो भाई सबसे पहले यार हम इस तरीके से इसमें रॉकेट में भरते हैं इस फ्यूल को, बिकॉज दैट गुड ऑक्सीडाइजर। मतलब अरे कहना क्या चाहते हो? शुगर रॉकेट में भाई शुगर ही भरा जाता है, ठीक है? तो हमारा शुगर रॉकेट तैयार है, सिर्फ इसमें छेद करना है, एक फ्यूज लगाना है और लॉन्च करने के लिए तैयार है। तो चलो यार ज्यादा मैं बकवास नहीं करूंगा, आप चलो तुमको दिखाते हैं। लेकिन हाँ नकली रॉकेट है बेंच, उड़ेगा उड़ेगा ये सीधी बात है, और वजन हो चुका है इसमें, ठीक है? तो चलो दिखाता हूँ मैं किस। ओके तो गाइस यार हमारा रॉकेट बन के तैयार हो चुका है, मैंने इसमें लगा दिया है फ्यूज, और आप टेस्टिंग करते हैं इसको उड़ाने के लिए। लेकिन उससे पहले हम इसमें लगाएंगे कि डंडी, ताकि ये स्टेबल रह सके उड़ने के लिए, ठीक है? तो चलो चलती हैं। तो गाइस यार इस तरीके से बन चुका है अपना रॉकेट, ठीक है? ताकि अब ये इस तरीके से स्टेबल रहेगा और हम इसे कर सकते हैं लॉन्च। मेरे ख्याल से यार ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है? फिलहाल सही है अपने इस रॉकेट को, अब बारी है यार इस चीज को लॉन्च करने की, ठीक है? तो सेटअप हमारा अच्छा खासा तरीके तैयार हो चुका है और अब हम लोग तैयार हैं यार रॉकेट को लॉन्च करने के लिए। तो देखो हमारा सिंपल क्राइटेरिया ये है, हमारा रॉकेट होगा कुछ इस टाइप से स्टैंड के ऊपर और हम इसको करेंगे लॉन्च। गले है, ठीक है? और हम इसको करेंगे लॉन्च। अब देखो यार मैं इसकी हाइट की बात करूं तो मेरे को पता नहीं समथिंग कितनी हाइट होगी, बस मेरे ख्याल से कहीं 200 फुट के समथिंग चली है, अच्छी बात है। और पहली बार बनाया तो हो सकता है ये यहीं पे फट भी सकता है, तो चलो चलते हैं देखते हैं क्या हुआ। रह गई यार, रह गई भाई, ये जो नहीं आई रह गई। अरे ऑल राइट गाइस, अब देखो यार हमने एक और रॉकेट उड़ाया था जो पूरी तरीके से फेल हो गया, मतलब सिर्फ और सिर्फ धुआं देता हुआ रह गया।
तो यार इस बार हम लोगों ने दूसरा रॉकेट बना लिया है, ठीक है। तो यार यही ट्रायल मारेंगे कि भाई ये रॉकेट पूरी तरीके से उड़ता है क्या नहीं उड़ता है। मतलब पहली बार रॉकेट बनाया है तो सीधी बात है गाइस, रॉकेट पहली बार नहीं उड़ा रॉकेट, बट आई थिंक इस बार रॉकेट अच्छे से उड़ जाए, ठीक है। तो चलो भाई इसकी टेस्टिंग करते हैं यार, क्योंकि बस मेरे पास यही रॉकेट बचा है, क्योंकि इसके बाद मेरे पास मसाला नहीं है, ठीक है। तो यार आई होप कि यार तुमको ये वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग तो नहीं लगी होगी, लेकिन तब भी भाई कहूँगा कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बिकॉज अभी हमें सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ मतलब ज़रूरत है तो कर देना, ठीक है। तो चलो यार रॉकेट को उड़ाते हैं, लेकिन उससे पहले लगेगा हमारा एक इंट्रो, और चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। ओके तो गाइस अब सेकंड रीटेक ले रहे हैं हम लोग फिर से, एंड इस बार मैं नहीं जला रहा हूँ, इस बार जला रहे हैं ये वन मानस, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक ठीक है। है सो ठीक 3 2 1 चलो चलो जल गई जल गई जल गई। इकबाल इकबाल मार दो धुआं में रहन के लगता है। अबे धुआं में जा भाई, नहीं तू जा। अरे वो बंद है वो यार, वो कैमरा बंद है वो। मार फोर बार चालू कर, चल नहीं जल्दी जल्दी। अरे यार